वेलकम टू दी माई न्यू ब्लॉग गाइज। और आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर, और आपको अंदर ले चलता हूँ। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारी जानकारी मैं अंदर जाके देता हूँ, और टिकट कितने का है वो भी बताता हूँ। सो गाइज, टिकट इधर से मिलता है। सो गाइज, हमने जंतर मंतर का टिकट ले लिया है, जो कि 50 रुपये का पर पर्सन पड़ा है। और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहता है। तो चलो अंदर चलते हैं। सो गाइज, जंतर मंतर घूमने से पहले थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। जो जंतर मंतर का निर्माण है, जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय ने करवाया था। 1728 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था और 1734 ईस्वी में ये पूरा कम्प्लीट हुआ था। तो इसमें बेसिकली क्या है कि 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, यानी कि 19 खगोलीय उपकरण पड़े हैं, जो कि पुराने ज़माने में उनसे पता लगाया जाता था कि जो उन उपकरणों से पता लगाया जाता था कि अभी कितना समय हो चुका है, और दिशा निर्देशांक और जो भी बहुत। और गाइस, राजा जो मान सिंह द्वितीय थे, उन्होंने भारत में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था अपने समय काल में, और जिनमें से एक दिल्ली, एक उज्जैन और एक वाराणसी, एक जयपुर हो गया और एक मथुरा। तो ये मथुरा जो है वो 1857 ईस्वी में, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें उसे नष्ट कर दिया गया था। बाकी वर्तमान में आज 4 ही जंतर मंतर है, जिसमें से जो जयपुर वाला जंतर मंतर है सबसे बड़ा जंतर मंतर बताया जाता है। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है, ये वृहद सम्राट यंत्र कहलाता है। सो गाइज, इसको बोलते हैं वृहद सम्राट यंत्र, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। सो गाइज, ये दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, जैसे कि है वृहद सम्राट यंत्र। इसके बारे में जानकारी ले लो आप। सो गाइज, ये है दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी, इसके लिए ये जयपुर का जंतर मंतर है जो विश्व प्रसिद्ध है। सो गाइज, ये है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, जिसको हम वृहद सम्राट यंत्र कहते हैं। और इस साइड देखेंगे गाइज, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, जो कि पुराने ज़माने में एक बहुत अच्छे उपकरण माने जाते थे। जब घड़ी या मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो इन उपकरणों के माध्यम से ही सारी चीज़ों का पता लगाया जाता था। ऐसे कुछ यंत्र बने हुए हैं यहाँ पे, जो कि पुराने ज़माने में बहुत उपयोगी साबित होते थे। वीर गोकन्या, ये जो राशि वगैरह बताते हैं ना, उसके लिए। लियो सिंह, अलग अलग राशियाँ जो दर्शाते हैं ये यंत्र। ये लिब्रा तुल्य राशि का यंत्र। ये मकर राशि का, स्कॉर्पियो राशि का। प्रकाश यंत्रम, इसका हाफ भाग इधर है।
यह यंत्र ऐसा कुछ सर्किल सा बना रखा है। तो इसके बैक साइड में देखते हैं तो इस तरफ भी ये कुछ सर्किल सा बना रखा है, जिसे बोलते हैं नाड़ी वलय यंत्र। ये साइड आते हैं तो यंत्र राज बोलते हैं इसको। ये वेद यंत्र का ही एक परिवर्तन रूप है, जो कि समय तथा खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने वाला एक मुख्य मध्यकालीन उपकरण था। स्वाई जयसिंह की यंत्र यात्रा के रुचि थी नया, उन्होंने विभिन्न भाषाओं के छोटे यंत्र का उपयोग किया। क्रांति वत्री अक्र। सो गाइस, ये है कैलकुलेशन ऑफ द टाइम विद स्मॉल सनडायल, यानी कि जो अभी का जो समय चल रहा है मॉडर्न टाइम, उससे ये 32 मिनट एटीट्यूड ऑफ द सन एट नून। यह चक्री यंत्र, यह यहाँ राम यंत्र। सो गाइस, ये राम यंत्र रामायंत्र कंप्लीमेंट्री टू बी रिप्राइड 1891 टेस्टेड बाय जोशी गोकुलचंद भगवान दिस गिविंग द एटीट्यूड द इमेज यू विल हैव। ऐसे कुछ रामायंत्र बना रखे हैं यहाँ पे, तो ये भगवान ही जाना ये कहीं कहीं उपयोग आवे जब मैं तो कोई गाइड वाइड भी ना करियो, मैं तो यहाँ मुंडो उठा रही हूँ वीडियो बना बता अभी देख लीजिए मैंने कहीं से देखो ऐसा कुछ सर्किल बना रखा है यहाँ पे। सो ऐसा इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो। सो गाइस, ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगर यूनेस्को के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को विश्व धरोहर को संरक्षण देने के लिए मशहूर है।